हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं बिरिस्ता, यानी कि तलेली प्याज, यानी कि फ्राई ऑनियन। अभी बिरिस्ता बोलो, तलेली प्याज बोलो, या फिर फ्राई ऑनियन बोलो, है ना। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ना भाई, ये ऑन डिमांड है, यानी कि हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत आ गए थे कि आंटी अब ये फ्राई ऑनियन की रेसिपी दे ही दो, और वो भी कौन से वीडियो में? चिकन टिक्का बिरयानी में। वो बिरयानी के ऊपर अब मैंने जो वो बिरिस्ता डाले ना, फिर उसके बाद हमने चिकन कोरमा भी बनाया, तो उसमें भी तलेली प्याज गई, तो हमने वहाँ पे कंफर्म किया अभी ये रेसिपी आप लोगों को चाहिए या नहीं। वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन हमने बोले कि चल अभी ईद आ रही है, लोग बिरयानी बहुत लोग बनाने वाले, तो ये बिरिस्ता यानी कि तलेली प्याज वो लोगों को हेल्प हो जाएगा, है ना। तो चलो फिर क्या नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। कुछ नहीं है, मैं अभी ही बता देती हूँ इसके अंदर। इसमें तेल और प्याज की ही जरूरत पड़ती है, और इसके बस दो तीन ट्रिक होते हैं जो सही तरीके से फॉलो करने होते हैं। ठीक है, चलो तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। आज हमने सामान नहीं दिखाए, क्योंकि सामान इधर यही लगेगा, प्याज लगेगी और कढ़ाई में तेल लगेगा, बस यही दो चीज लगेगी। तो सबसे पहले मैं ये ले ले रही हूँ प्याज। मैं आप लोगों को प्याज का ये हिस्सा काट के बताती हूँ, ये काटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने आधी प्याज है ना नीचे से काट के लेके आई हूँ, देखो दोनों प्लेट के अंदर। बस ये दो प्याज आप लोगों को बताने के लिए लाई हूँ कि कैसा कटिंग करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर पूरी प्याज लेके आ जाती थी ना, तो फिर रियाज का शुरू हो जाता था। अम्मी मैं कैसा शूट करूँ, मेरी आँख जल रही है। उसको कांधे से बहुत प्रॉब्लम है इसके लिए, ठीक है। मैं रोना नहीं चाहता फिर भी आंसू आ ही जाएंगे ये दो प्याज में, ठीक है। मैं फिर भी बता देती हूँ तेरे को, एक प्याज में बराबर से काट के दिखा दूँ। तो ये प्याज ले ली हूँ मैंने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये गोल हिस्सा हमको ये आराम से कट करना है, ठीक है। अगर ये रह गया तो आपके प्याज जो जुड़े हुए रह जाएंगे, ये जो रहेगा ना, तो ये आपके प्याज है ना इस तरीके से खोलेगा नहीं पूरा, ये सब एक साथ जुड़े हुए रहेंगे और इसके आगे ये डंटल रहेंगी, तो ऐसा ही गुच्छा प्याज फ्राई होंगे। इसके लिए ये निकालना ज़रूरी है, उसके साथ साथ यहाँ का भी हिस्सा कटिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये इस तरीके से तो मुझे प्याज काटने आती नहीं है, तो मैं तो यूं ही प्याज काटूंगी, ये हमारे हाथों से हमको आदत है प्याज काटने की, ठीक है। बहुत आराम से, जाड़े जाड़े प्याज नहीं लगेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, मेरी दोनों प्याज कट गई आराम से। इसी तरीके से आप लोग भी काट लेना, बस मोटे मोटे प्याज नहीं काटना, सब एक ही साइज में रहने चाहिए। तो टोटल कितने प्याज है में? ये एक किलो है, पूरा एक किलो का बना रहे? हाँ पूरा एक किलो प्याज है ये, खाली मैंने ये दो प्याज बाकी रखी थी आप लोगों को बताने के लिए। अब इसको मैं ये इस तरीके से चूर लूंगी, तो भी फिर बिरयानी भी बनाएगी ना, मैं प्याज बना दिए तो। हाँ तो ये ईद में बिरयानी बनेगी ना, ये आज प्याज तल के रख दूंगी तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, ईद में मुझे प्याज फ्राई करने नहीं पड़ेंगे और हम लोग का भी फायदा हो जाएगा बिरयानी खाने मिलेगी। अरे वैसा भी तो तुम लोग खाते ही है ना, बिरयानी तो बना के खिलाती हूँ मैं। हाँ। तो देख रहे आप लोग, ये प्याज है ना एक एक अलग अलग हो गई है। अगर इस तरीके से प्याज आप करके तेल में डालेंगे ना, तो आपके पूरे प्याज है ना एक जैसे फ्राई होंगे। आप गट्टे छोड़ दोगे ना, तो आपके प्याज आधे वाइट रह जाएंगे, आधे लाल हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से खोल के प्याज डालोगे, तो आपके एकदम एक जैसे प्याज फ्राई होंगे। मैंने यहाँ पर प्याज पूरे अलग अलग कर ली हूँ, और मैं ये भी निकाल ले रही हूँ। बहुत सी प्याजें ऐसे आ जाती है जो बीच में एकदम प्लेन होती है, जाड़ी होती है। अब हम मशीन तो है नहीं ना, हाथ से ही काट रहे इंसान ही है, तो थोड़े बहुत जो मोटे मोटे आते हैं इस तरीके से गाँट, जो हम अलग करने पे भी नहीं होते, तो इसको एक बार छाट लेना। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं स्टोर करने के लिए, तो हमारी प्याज भी ख़राब नहीं होना चाहिए ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा निकाल लेने का मेहनत से, है ना। ऐसे जाड़े जाड़े प्याज अलग निकाल लेंगे, तो ये फालतू ख़राब नहीं होने वाले, ये हमारे भाजी तरकारी में यूज़ ही होने वाले, है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे तेल भी गर्म होने रख दी थी, जो कि तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे हमारे प्याज डाल दूंगी। देख रहे आप लोग कैसा तेल ऊपर आता है, बस इसका जो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होएगा, तब हम ऐसा डालते रहेंगे। प्याज डालने से
हमारा तेल थोड़ा थोड़ा करके ठंडा होता है तो ज़रा स्लो स्लो छोड़ने का। पहले प्याज छोड़ने के टाइम पे एकदम तेल गर्म रहेगा तो तेल ऊपर आता है, ठीक है। तो मैंने ये एक प्लेट पूरी प्याज इसमें छोड़ दी। अब इसको हिलाते हिलाते हम आराम से फ्राई करेंगे। और एक दूसरे तरीके से भी प्याज फ्राई होती है, जो कि पहले पानी में बॉईल करना पड़ता है, हल्का एक बॉईल देना पड़ता है, उसके बाद इस तरीके से गरम गरम छान के तेल में छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो तरीके से मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम लोग खुद इतने सालों से खाना बना रहे, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी उस तरीके से फ्राई करने में हमारे आँख पे तेल उड़ता है, छींटे गरम गरम हाथ जलता है, तो मैं नहीं चाहती उस तरीके से बताऊँ और कोई बच्चा मेरे तरह देख के वो बनाए और चटका कर ले। इस तरीके से मैं ये गरम तेल के ही फ्राई अनियन बता रही हूँ। तो देख रहे आप लोग, प्याज ने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। और खुले तेल में अगर आप फ्राई करेंगे तो आपकी प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। अभी मेरे को इसको 10 से 12 मिनट ही हुआ है डाल के, तो देखो कलर चेंज होने लगा है। अब बस ये मोमेंट पे आने के बाद हाथ नहीं रोकना और नज़र बिल्कुल नहीं हटाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी काले हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं। ये मोमेंट पे नज़र इस पर बनाए रखना और कंटिन्यू हिलाते रहना, क्योंकि एक जगह की प्याज अगर आप निकाल रहे हो तो दूसरे जगह काले होते हैं इसके लिए, ठीक है। अब बस हमको और एक मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा, या एक मिनट से पहले ही ये लाल हो जाएंगे। प्याज मेरी कुछ लाल हो गई है, कुछ सफ़ेद रह गई है, तो बस यही मोमेंट पे मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से कपगिर लेके, ये चपटा चम्मच लेके इसका तेल जो है ये इस तरीके से दबा के निकाल लूँगी और फटाफट यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि इसका पकने का प्रोसीजर अभी बंद नहीं हुआ है। ये थाले में निकालने के बाद भी एक मिनट तक अपने आप में पकते रहती है, इसलिए इसको काला करके नहीं निकालने का, इसी तरीके से सुनहरी सुनहरी होता है तभी ही निकाल लेने का। ये मैं पूरा निकाल के फिर आपको बताती हूँ। तो ये मैंने एक प्लेट जो प्याज तली थी ये निकाल ली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करके इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। ये अब देखो आप खुद कलर देखो चेंज हो जाएगा, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे थे थोड़े बहुत वो भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हम इसको पकने के बाद जो उतारते हैं उसके बाद भी ये अपनी पकने का जो टाइम इसका चालू ही रहता है, एक मिनट तक ये पकते ही रहती है, इतना गरम गरम तेल से हम इसको जो निकालते हैं इसके लिए। अब मैंने इसको इस तरीके से खुला खुला कर दी हूँ। अब ये कोई कोई प्याज ऐसी होती है, अब इसको हम ठंडा करने के लिए इधर रख देंगे साइड में, और हम ये दूसरी वाली प्याज जब तक हम इसमें ऐड कर देते हैं। 5 मिनट में ठंडी भी हो गई मेरी प्याज और कुरकुरी भी हो गई है, ये इस तरीके से है ना। देखो आवाज़ सुनाती हूँ आप लोगों को, ये है देखो आवाज़ सुनो, है ना, चूरी भी हो गई पूरी, है ना, मस्त। अब क्या करेंगे हम इसको एक 2 मिनट रख के इस तरीके से ये चैन वाली जो थैली आती है ना इसके अंदर स्टोर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये इस तरीके से स्टोर करने से 2 से 3 महीना, 4 महीना आप आराम से रख सकते हैं। ये प्याज खराब नहीं होती है क्योंकि ये फुल डीप फ्राई होती है, तो डीप फ्राई वाली चीज़ ज़्यादातर खराब नहीं होती है। इस तरह से आप स्टोर करेंगे तो, अगर आपके पास ये थैली नहीं है तो आपके पास कोई डब्बा होगा जो एकदम अच्छे से हवा पास नहीं होती, वैसा वाला डब्बा लेके आप उसमें ये रख सकते हैं तो भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अब हम तल लेते हैं जो बाकी प्याज हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है। तो दोस्तों तैयार हो गया है अपना बिरिस्ता कैफे बरिस्ता, कैसा बोलता है। तो दोस्तों तैयार हो गया हमारा बिरिस्ता, फ्राई ऑनियन तलीली प्याज। देखो बिरयानी की जान नहीं, जान तो नहीं बोलेगी, बिरयानी की जान एक्चुअल में मसाला होता है, मसाला लेकिन ये थोड़ा सपोर्ट देता है उसको। नहीं सपोर्ट नहीं देता है, आप देखना किसी भी किस्म की बिरयानी बनाइए आप, आपको तलेली प्याज उसमें पड़ती ही नजर आएगी। हाँ। आप कोई भी बिरयानी बना लो। हाँ। अम्मी अभी अभी वो मेन बात बोलो, वो लाइफ वाली। अच्छा, हाँ। बहुत दिनों से ना बहुत लोग इंतजार कर रहे कि हम लोग लाइव कब आएंगे। हाँ। और हम लोग खुद सही में बहुत दिन हो गए लाइव आके। हाँ। और ये हमारा वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को आखिरी रोजे को यानी कि 30वें रोजे को मिलेगा, मिल चुका होगा अभी तक। तो हम लोग ईद में लाइव आने वाले है, ईद यानी कि कितनी तारीख है अम्मी, 14 14
तो हम लोग 14 तारीख को ईद में लाइव आएंगे 4 बजे इंडिया के टाइम पे, ठीक है। फ्राइडे जुम्मा का दिन रहेगा, ईद रहेगी इंडिया में, ईद रहेगी, बाकी जो दूसरे मुल्क है वहाँ पे शायद बातचीत हो सकती है। तो भाई इंडिया में ईद रहेगी, फ्राइडे का दिन रहेगा, जुम्मा का, और हम लोग 4 बजे लाइव आने वाले, तो कोई भी मिस मत करना प्लीज, ठीक है। और वैसे तो मैं अपने इंस्टा पेज पे, एफबी पेज पे और यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दूंगा कि जो लोगों को नहीं पता वो लोग देख ले और हमें ज्वाइन करे ईद में 4 बजे, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं इनके बरिस्ते की। बरिस्ता मेरा बोलने का मतलब है, बहुत से लोग ये बनाते हैं तो सोचते हैं सिर्फ कोरमे में ही इस्तेमाल होगी या सिर्फ बिरयानी में ही इस्तेमाल होगी। नहीं, मैं तो इसको तल के रखती हूँ, तो मैं कभी कभी सालन बनाने में मुझे बहुत घाई रहती है, टाइम नहीं रहता है, प्याज लाल होने में टाइम लगता कोई है। एक सालन में तुमने यहाँ पे भी डाले थे ये तली हुई प्याज? मैंने 2-3 सालन में आप लोगों के सामने डाली हूँ लाके, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट होता है वो प्याज लाल करने में, तो मैं इस तरीके से ये पहले ही लेके आती हूँ। कोई भी सालन में आप डाल सकते हैं, लेकिन हम गरम मसाला तेल में छोड़ते गरम गरम, उसके बाद डायरेक्टली क्या छोड़ते हैं, प्याज, उसके बाद आता है अदरक लहसुन। तो ये प्याज इस्तेमाल करने का तरीका है, तलेली प्याज इस्तेमाल करने का, कि आप खड़े गरम मसाले डालने के बाद ये प्याज ना डालें, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है, और ये आप गरम मसाले के बाद गरम तेल में ये डाल देंगे, आप जैसा ही टोक में डालेंगे ये काली हो जाएगी, एकदम जल के कड़ी हो जाएगी। इसलिए आप अदरक लहसुन पहले डाल के तेल को थोड़ा शांत करिए, अदरक लहसुन भूनिए तेल के, अदरक लहसुन के पानी से जरा तेल कम, मतलब ठंडा हो जाए, टेम्परेचर उसका कम हो जाए, डाउन हो जाता है तेल का, तब आप, आपको जितनी प्याज लगती है उतनी प्याज डालें। अम्मी का फॉर्मूला, मतलब अम्मी का तरीका कुछ ऐसा है कि अपन कांदा डालने के बाद अदरक लहसुन डालते हैं, लेकिन आप पहले अदरक लहसुन डाल के थोड़ा तेल को ठंडा कर लो और ये पकी पकाई हुई ऑनियन उसमें डालो, समझ रहे, मतलब आपका टाइम बच जाएगा, ये ऑनियन मतलब फ्राई करके ऑनियन रखोगे तो इसे ऐसा मतलब। तो ये भाजी में भी डाल सकते हैं आप, या सालन में डाल सकते, गोश्त में, चिकन में, किसी में भी, इस तरीके से मैं यूज करती हूँ। लेकिन बिरयानी में, लेकिन खास करके भाई बिरयानी में, आप अपने रमजान ईद की बिरयानी अगर आप बनाओगे तो ये फ्राई ऑनियन पहले से आप बना के रखना, ताकि आप अपने बिरयानी में यूज कर सके, ठीक है, तब हम लोग को अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने ये ना फ्राई ऑनियन का वीडियो बीच में जबरदस्ती डाला है कि लोग ईद में बनाए। और एक टिप मैं और दूंगी कि बहुत से लोगों को ईद में टाइम नहीं मिलता। देखो, सबसे पहले तो सुबह की नमाज होती है, नहाना धोना होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, तो आप इस तरीके से बरिस्ता बनाइए, चिकन लाइए या मटन, बिरिस्ता, तो मटन लाइए या चिकन लाइए, जो भी आपको बिरयानी बनाना है उसको आप चांद रात वाले दिन लाइए, रात को लाके आप ये मसाला उसमें पूरा मैरिनेट करके पूरा मिला के आराम से, फ्रिज का जो बीच का हिस्सा होता है टोप में, ये पूरा मसल के अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए। आपको सुबह में कोई टाइम नहीं लगेगा, शिरकुरमा बनाइए, एक जगह चावल बॉईल करिए और ये मसाला निकाल के आप डाल के दम पे रख दीजिए, आपका शिरकुरमा भी रेडी हो जाएगा, आपकी बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। आपको ईद वाले दिन कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्याज काटो, टमाटर काटो, कोथमीर काटो, पुदीना काटो, अदरक लहसुन छिलो, पूरा आधा दिन इसी में चले जाएगा, तो ईद कब मनाओगे हमें, चलो अभी बस, इसलिए अब बस, ठीक है। तो मैं ये टिप आप लोगों को इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ चांद रात के दिन पूरी तैयारी, शिरकुरमे की भी और बिरयानी की भी। हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे खाते हुए। हाँ, ये लास्ट वीडियो है जो ये सुबह सुबह जा रहा है। खुशी हो रही है मुझे। हाँ, अभी अगले वीडियो से तो हम खाते हुए ही दिखेंगे ना। हाँ, अगले वीडियो से आपका रियाज भाई ऐसा उठा के ऐसा खाएगा और बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और जाने से पहले हमारे तरफ से आप सभी लोगों को ईद मुबारक, अपनी ईद अच्छे से बनाइए, और सब छोटे भाई बहनों को ईदी दीजिए, मतलब दीजिए, समझ रहे, छोटे भाई बहनों ईदी ईदी दी ईदी दीजिए। और जो लोगों के घर में ये जो कोरोना है, ये है, लोगों के लिए भी जरा दुआ करिए, आप बहुत परेशान है, बहुत से बच्चे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी फैमिली के लिए दुआ करिए, दुआ करिए, और जितना हो सके सतर्क रहो, मत जाओ भीड़ में। एक एक साल ईद में शॉपिंग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। 2 साल हाँ, तो क्या हो गया, हम भी 2 साल नहीं, 2 साल भी नहीं जाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाली जिंदगी में आप जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर सकते हो। मैं तो देखो मेरे बच्चों को भी यही बोल रही हूँ, मत जाओ शॉपिंग के, मत करो, कि देखो इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी बच्चों के साथ हो रही है। मैं तो देखो उन लोगों के साथ हूँ, मैं हमेशा दुआ करती हूँ, आप लोग भी हाथ धोते रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहन के बाहर निकलिए, ठीक है। फिर भी मैंने एक पठाने ले लिया, चलो अब चलते हैं, मिलते हैं। लेने की वजह है, दुकान है, तो मैंने दोनों भाइयों को भेजी थी, ज्यादा जाना नहीं,
सिर्फ सीधा दुकान जाना, कपड़ा लेना और टेलर के पास आना, ज्यादा ढूंढ ढाल नहीं करना, अच्छा कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मत करना। और भी हमारे पास में ये जिनसे सिलाई है उनका भी नाम रियाजी है, रियाज टेलर है। तो चलो अब चलते हैं, अभी चले, चलो बहुत हो गया, बहुत कहानी हो गई लंबी लंबी, अब चलते हैं।